बजाज ने पल्सर एन 250 और एफ 250 के नए ब्लैक वेरिएंट को कुछ दिनों पहले तीस करने के बाद भारत में लॉन्च कर दिया है इन दोनों बाइक्स को भारतीय बाजार एक दशमलव शून्य लाख रुपए एक्स शोरूम की कीमत पर उतारा गया है बाइक के नियमित संस्करणों की तुलना में ये ऑल ब्लैक संस्करण आपको क्रमशः छह हजार रुपए और पांच हजार रुपए अधिक पर मिलेंगे कॉस्मेटिक अपडेट के अलावा दोनों मॉडलों में एक बड़ा फीचर अपडेट भी दिया गया है नई पल्सर 250 सौ पचास अब डुअल चैनल ए बी एस एब्स से लेस है दोनों मॉडलों के नियमित संस्करणों में केवल सिंगल चैनल ए बी एस मिलता है इसके अलावा दोनों बाइक्स अब डार्क पेंट स्कीम है के साथ आते हैं कंपनी इसे ब्रुकलिन ब्लैक पेंट शेड कहती है दोनों मॉडलों में पैनल में मैट और ग्लॉस पेंट का का इस्तेमाल किया गया है जिसमें हाईलाइट के रूप में थोड़ा सिल्वर पेंट भी है ब्लैक पेंट बाइक के अन्य भागों में भी है जिसमें अलॉय व्हील्स एग्जॉस्ट इंजन और अन्य भाग शामिल है पल्सर एन दो और एफ दो दोनों का इंजन पहले वाले मॉडल जैसा ही है दोनों बाइक दो सौ सो उनचास सोक एयर और ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर इंजन से लैस है यह इंजन 24.5 दशमलव का पावर और 21.5 दशमलव न्यूटन मीटर का पीक टॉप जनरेट करता है यह इंजन स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ पांच सपर ई डगियर बॉक्स से जुड़ा है पल्सर 250 के दोनों मॉडलों में 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ सामने 300 मिमी और पीछे 230 मिमी के डिस्क ब्रेक दिए गए हैं बाइक में सामने टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है दोनों बाइक की फ्यूल टैंक की क्षमता चौदह लीटर की रखी है डिजाइन के मामले में बजाज ने पल्सर 250 रेंज को अन्य पल्सर बाइक से अलग बनाया है पल्सर एफ 250 में सेमीफेयरिंग डिजाइन के साथ एक लंबी विंडस्क्रीन मस्कुलर 14 ल ईटर र्यूल टैंक अप सीट स्प्लिट स्टाइल लाइट और बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है वही पल्सर ए न दो बिना फेयरिंग के आती है इसके अलावा बाइक के सभी फीचर समान है पल्सर 250 में रंग विकल्प अभी के लिए सीमित है और वर्तमान में तीन रंग ब्लैक सिल्वर और रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध है हालांकि कंपनी भविष्य में अन्य रंग भी विकल्प ला सकती है पल्सर 250 में सिंगल पॉड एलईडी हेडलाइट लगाया गया है यह हेडलाइट प्रोजेक्शन और पोजीशन दोनों का काम करता है बाइक में पीछे की तरफ स्प्लिट स्टाइल एलईडी टेललाइट मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक सेमी डिजिटल यूनिट है जो स्पीड और डिस्टेंस के अलावा गियर पोजीशन, रियल टाइम माइलेज और उपलब्ध रेंज के बारे में भी जानकारी देता है हाल ही में बजाज ने पल्सर 250 की बिक्री का एक नया आंकड़ा हासिल किया है कंपनी ने पल्सर 250 रेंज को लॉन्च करने के सिर्फ छह महीनों के भीतर इसके दस शून्य 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 यूनिट्स की बिक्री कर ली है कंपनी ने नई पल्सर 250 रेंज को पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया था भारत में बजाज पल्सर 250 का मुकाबला यामाहा ए फ पच्चीस सुजुकी जिक्सर 250 और बजाज डोमिनार 250 दो से हैं फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको यहाँ ऑटोमोबाइल की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज मिलती रहेगी